बड़वानी डोंडा चूरा। बड़वानी जिले के सेंधवा ग्रामीण पुलिस ने एक कार से 2 क्विंटल 5 किलो डोंडा चूरा जब्त किया है। पुलिस ने राजस्थान के 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दरअसल पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की कार में डोडा चूरा का अवैध परिवहन किया जा रहा है, जिसे गंभीरता से लेते हुए एसपी डीआर तेनीवार द्वारा एडिशनल एसपी सुनीता रावत को कार्यवाही के लिए निर्देश दिए गए। एडिशनल एसपी ने मौके पर पहुंच एसडीओपी तरुणेंद्र सिंह बघेल, ग्रामीण टीआई वीडीएस परिहार व पुलिस टीम के साथ कलालदा फाटे पर नाकाबंदी कर उक्त कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार सवार ने पुलिस को देख फरार होने की कोशिश की, मगर पुलिस ने घेराबंदी कर 2 आरोपियों को पकड़ लिया। इनके पास से 2 क्विंटल 5 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया है। जिला पुलिस अधीक्षक श्री डीआर तेनीवार को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक ब्रेजा कार में डोडा चूरा भरकर मानपुर से महाराष्ट्र तरफ जा रहा है। इस सूचना पर एडिशनल एसपी श्रीमती सुनीता रावत एवं मुझे एसडीओपी को पुलिस अधीक्षक श्री डीआर तेनीवार ने नाकेबंदी कर इसको पकड़ने के निर्देश दिए। इस सूचना के तहत थाना प्रभारी ग्रामीण विश्वजीत सिंह परिहार एवं उनके टीम को कैलोत फाटा की तरफ भेजा गया एवं एक पार्टी जुलवानिया से एडिशनल एसपी सुनीता रावत ने उसका पीछा किया और एक पार्टी ओवरब्रिज बाईपास पर लगाई गई। जब कलालदा फाटा के पास गाड़ी पहुंची तो विश्वजीत सिंह परिहार की टीम ने गाड़ी को पकड़ लिया एवं गाड़ी में डोडा चूरा रखा पाया गया। जो व्यक्ति उसमें थे उसमें एक मंगाराम जाट जो बाड़मेर राजस्थान का रहने वाला है एवं श्रवण कुमार बिश्नोई जो साचनेर थाना साचनेर जिला फल्लोर राजस्थान का रहने वाला है 2 मिले। जब तो डोडा चूरा की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी इसे राजस्थान से महाराष्ट्र ले जा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, बड़वानी।